अगले एक मिनट में मेरा सपना पूरा होने वाला है। जब से मैं हूं तब से मेरा यह सपना भी है। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा और कुछ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। दुनिया में ऐसा एक आदमी बताओ जिसने कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ अच्छा, कुछ बुरा और कुछ बहुत बुरा ना किया हो। और अगर ऐसा कोई है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले 30 सेकंड में मेरा यह सपना पूरा होने जा रहा है। 30 सेकंड्स को अर्जुन। पंजाब के वो स्कूल के दिन, वहीं से तो ये सब शुरू हुआ था। बच्चों, अब एक एक करके बताओ कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। माँ साहब, मैंने पायलट बनना है। और मैंने डॉक्टर। मैंने वकील। और तुम अर्जुन? मैं माइका लाल जय किशन बनना चाहता हूँ। जोर बंद करो। मतलब पॉप स्टार बनना चाहते हो? अपने पियो को बताइए ये बात। दिमाग खराब हो गया तेरा? याद रख, इस घर में संगीत से किसी का कोई भी वास्ता नहीं है। अगर आज के बाद तुझे गुनगुनाते हुए सुना, तेरी चमड़ी उधेड़ के जूता बना दूंगा। चल कम कर। ओए होए, तेरे यार मन्नू से तो मैंने पूछा ही नहीं। मुसाब, मैंने तो बड़े ही नहीं हो ना, बड़े होने में 100 पंगे हैं। संगीत मेरा शौक, मेरा सब कुछ था, और उसमें अपना नाम करना मेरी मंजिल। मन्नू, मैं टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। ओए, तुझे टॉप का पॉप स्टार बनना है तो बन, प्रॉब्लम क्या है? बाऊजी, बाऊजी मुझे अपने ढाबे में झोंक के दम लेंगे। ओ, तेरा पियो इतना चिढ़ता क्यों है तेरे म्यूजिक शूजिक से? मेरे दादाजी की वजह से। हमारे परिवार की जो हालत हुई है उसके लिए मेरे बाबूजी दादाजी के संगीत को जिम्मेदार मानते हैं। वो रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरे संगीत का शौक छूट जाए, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी बात कैसे मान सकते हैं। मुझे संगीत का शौक भगवान ने दिया था, संगीत सीखने का हुनर भी उसी ने दिया। फिर वो मुझे संगीत से अलग कैसे कर सकता था? संगीत की दुनिया में अपना नाम करने से कैसे रोक सकता था? इसलिए मेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर करते हैं भगवान। टके पूरा कारण वारण देके डिटेल में मांगते है तू भगवान से? भगवान बोर नहीं होता तुझसे? देखना मन्नु, भगवान जरूर कुछ करेगा। अर्जुन, 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 अर्जुन! क्या है? जाने अनजाने बाबूजी की मौत मांग बैठा था मैं। भगवान ने मेरे और संगीत के बीच आने वाली हर रुकावट दूर कर दी थी। इसके बदले मैंने भी भगवान से एक वादा किया कि जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लेता, तब तक मैं भी किसी चीज को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। बेटा। चाचा जी, अर्जुन, जाकर कृपा के आगे और इनके मोहब्बत से जान पड़े।
तो पियानो लाने वाला था पर पैन का टका बहुत भारी था। ये ले पुंगी बजा और खुश रह। तुम्हारे पिताजी को संगीत से सख्त नफरत थी, मुझे भी है, हमारे परिवार के हर एक बंदे को है, और इसकी वजह भी है हमारे पास। अगर दोबारा तूने इसे बजाया तो इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, समझे? पकड़ो। साल आम आदमी की तरह इनका हिसाब नहीं रखा मैंने, हिसाब रखा तो सिर्फ इस बात का कि मैं कितना सीखा हूं और कितना बाकी रह गया है। तैयारियां पक्की लगने लगी तो हर म्यूजिशियन की तरह ऑडिशन देने का रूप पकड़ा, कुछ हासिल नहीं हुआ तो समझ गया
कि भगवान ने मेरी कहानी कुछ अलग लिखी है और मुझे अपनी मंजिल भी किसी अलग तरीके से पानी होगी। लपट बन जा तू बढ़ के छूले आसमान और चल तू पिघल हवा है तू बह निकल राह बना रास्ते बना चल रे फ्रॉम कराची और ये मेरा छोटा भाई है वसीम हमारा बैंड लंदन में छाने वाला है यार बट आई डोंट नो यू अपनी नजर के आगे जब आएगी मंजिल ही पहले पल के जब काएगी ठोकरों में बात हो तो कंकरों की मात हो जीत भी तेरे साथ हो सर पे कफन तेरे अगर मगर बाहर डगर ख्वाबों पे यकीन तो जाग अभी अब हमें हमारे बैंड का अच्छा नाम सोचना पड़ेगा That's all. हमारा बैंड? नहीं नहीं हमारा नहीं इसका मतलब है तुम्हारा लीड तो तुम ही हो हम तो बैकग्राउंड में अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे बस वैसे तुम लोग बजाते अच्छा हो थैंक यू थैंक यू वी नो हाय आई एम कैलिस्टा यू रॉक बेबी थैंक यू शी इज हॉट ब्रो लेट्स सेलिब्रेट योर प्लेस ऑन माइन सॉरी यू गॉट द रॉन्ग गाय एक्सक्यूज मी Hey baby, how you doing? Okay, listen, your place, my place, any place, any place. Let's just celebrate. What say? Bugger off. I don't babysit. Excuse me, but we're going to have to arrest you. I know, it's against the law. Give me a minute, I'll wrap it. Yeah, as quick as you can. 2 minutes, bro. 2 minutes and she was mine. 2 minutes, छोड़ मैं तुझे 2 days देता हूँ, वो भी एक island पर, अकेले. तू तब भी कुछ नहीं कर सकेगा. Dream on, bro. 2 minutes and you know. 2 जिंदगी ले ले. अच्छा अर्जुन कैन आई आस्क यू समथिंग लाइफ में जो भी फ्री मिल रहा हो तो कोई छोड़ता नहीं
और तूने लड़की छोड़ दी यार, और वो भी इतनी हॉट मलाईदार बटर चिकन। मलाईदार बटर चिकन। नाम अर्जुन है, नोटिस नहीं किया? अरे नाम अर्जुन, बट व्हाट इज द कनेक्शन? नजर निशाने पे ना हो तो निशाना चूक जाता है, रास्ता बुला दो तो मंजिल खो जाती है। मेरी मंजिल मेरा निशाना कुछ और ही है, तुम्हारे ये मलाईदार बटर चिकन नहीं। बाय द वे, डू मी अ फेवर, मेरा सामान यहाँ पहुंचा दोगे? श्योर, थैंक्स। मंजिल कुछ और है? मतलब आई होप सब कुछ नॉर्मल है ब्रो। अबे गधे, वो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, एंड ही इज फोकस्ड अबाउट दैट। रियली? या, यू नो व्हाट आई थिंक, आई थिंक ही स्विंग्स द अदर वे। चल Mind your head, sir. This guy's begging for an audition. He's desperate. Yeah, but that is the sort of hunger that I like. I'll tell you what, book him for Blockbuster Music's next audition. एक अच्छे शो के बाद आमतौर पर किसी अच्छी पार्टी में जाना होता है, लेकिन मैं सीधे जेल गया। मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था, शायद इसलिए कि हर बड़ा सपना देखने वाला आदमी कभी ना कभी जेल जरूर गया है। अब मुझे यकीन हो गया था कि भगवान ने मेरी कहानी भी उनकी तरह उल्टी ही लिखी है, इसलिए मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उल्टा पुलिस ने मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया। मैं अब मानने लगा था कि एक बहुत बड़ा मौका मेरा इंतजार कर रहा है, आखिर मेरी जिंदगी का वो नया चैप्टर खुल गया।
ओए अबे नजर लगाएगा या फोन भी कर देगा मेरे दोस्त को? पहले मेरा हिसाब कर उसके बाद फोन करना। हेलो अर्जुन, क्या हो रहा है? हे मानो, अबे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तू जीत गया, तेरी आवाज में खुशी नजर आ रही है मुझे। तू पागल हो गया? अरे मुझे पता है कि तूने लंदन शहर में आग लगा दी है। अरे मनु मैंने तुझे, अरे यार किसी गोरी चोरी की नहीं, तू फजूल की बातों में फोन का इतना बिल क्यों बढ़ाता है? अबे 200 साल इन्होंने हमारे लिए, यार हिसाब तो बराबर होना चाहिए ना। अबे कैसी फजूल की बातों में तू आयुर्ची का बिल बढ़ाता है? अबे ये फजूल की बातें नहीं है, हिस्ट्री है। हफ्ते में 10 बार फोन करता है, कोई लॉटरी लग गई क्या तेरी? यार आईएसडी बहुत सस्ती हो गई है अबे, अबे सस्ती हो गई है लेकिन फ्री नहीं हुई है, पैसे कब देगा मेरे? एक 25 तारीख को दूंगा। अबे हर महीने तू यही बोलता है। अरे मनु आईएसडी पे बात तो कर। अर्जुन रुक जा, एक जरा भिखारी को सिक्का दे रहा हूँ मैं। ए मनु मोटे में सुबह का बड़ा पक्का हूँ, मैंने कब कहा कि 25 को नहीं छपी दूंगा? अबे लेकिन कौन से महीने की 25 तारीख को देगा? अबे किसी महीने की 25 तारीख को दूंगा, दूंगा ना, ये मेरा वादा है। अब मैं दोस्त से बात करूँ? तू सिर्फ वादे कर सकता है मन्नू। मुझे पता है वादा निभा लिया तो वादा कैसे हुआ बेवकूफ। क्या शोर हो रहा है वहाँ? बस कुछ नहीं यार, तेरी खुशी में पूरा पंजाब खुश है। वो बोल रहे हैं कि फोन रख। ओ सुन यार मेरे भाई, तू बटिंडा कब आ रहा है? जल्दी, ये तो अभी शुरुआत है। हेलो हेलो, अपने आप को तू खाली समझता है? 25 तारीख तक तुझे जिंदा रहना है। सपना अभी पूरा कहां हुआ है? यहाँ यहाँ लेके आया ट्रीट के लिए। ब्रो क्या हुआ? नो दिस इज लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली। नाइस ना? चिल ब्रो, ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे खाना नहीं पड़ेगा, जल्दी हम ब्लू एलिफेंट, वर्टिगो, कैसर ऑयल जैसी जगह पे जाने लगेंगे। क्या लेंगे सर? जो आप खिलाएं, आई मीन जो यहाँ अच्छा मिलता हो। वेरी वेल सर। यहाँ वैसे बार बार मुझे सर मत बुलाएं, मैं आपसे छोटा हूँ ना। नहीं नहीं सर ही बुलाइए, कल अपने म्यूजिक से इन्होंने पूरे लंदन को हिला दिया, आज हम ब्लॉकबस्टर म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे और कल नाइट हो, yes, yes, तब yes. तो आपको बुलाना ही पड़ेगा सर। अर्जुन यहाँ कबाब बहुत अच्छे मिलते हैं, कबाब ट्राई करें। विल हैव 3 पोर्शंस। ऑडिशन के लिए हमें कपड़े चेंज करने चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिंपी, ओ रिंपी, मनु उठो मेरे वो आ गए। रिंपी उनको मेरा गुड मॉर्निंग बोल देना। तुम पागल हो गए हो क्या? मनु उठो मेरे वो आ गए हैं, उठो। ओए बाप रे, तूने बताया नहीं कि तेरी शादी हो चुकी है? अभी तुम उठो। ओ यार मैं तो तेरे को बताने ही भूल गया, आज अपनी बिल्लो है ना उसकी शादी है, चल फटाफट तैयार हो जा, आ जा। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। क्या बात कर रही है, इतने तो कपड़े हैं तेरे पास। मैं कह रही हूं नहीं है। ये देख, ये भूरा पड़ा है, ये पीला है, ये देख ये ब्लू है, ये ब्लैक पड़ा है। ओए आग किया हुए भाई साहब, ये लाल वाला भी बड़ा सूट कर जाएगा, ट्राई इट। ओ ट्राई इट योर कबाब्स, हियर यू गो, एंजॉय योरसेल्फ। What are you looking at? Oh, no, Papa. Look at that meat-eating man. Then look away. Wah. Please.
कॉन्सेंट्रेट. वही तो कर रहा हूँ. ये ब्लॉकबस्टर का ऑडिशन है, कोई ऐसा वैसा नहीं है. Okay, that would do. Enough. Enough, stop. Chill now, bro. What's the problem? Shh. Yaar, tum log bhi. Hello. Hello. Bes. Oh, Sita aur Geeta. Na Sita na Geeta. Priya, pata chala tum ye audition dene aa rahe ho? To actually main bhi tumhe support karne chali aayi. Loved your song, Arjun. Thank you. Arjun ladki ke saath. Now I'm convinced he's normal. आप हर रोज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जाती हैं या गेटअप चेंज करना आपकी हॉबी है? I mean, कभी सीता कभी गीता. हॉबी नहीं, मजबूरी है. मतलब? एक बहुत ही कंजर्वेटिव आयर फैमिली में पैदा हुई. Just like a princess, just like a goddess. अपा क्लासिकल के आगे जाने ही नहीं देते, और मेरे अंदर का पॉप मुझे ततधय से सीधा वर्ल्ड पे लेके जाता है. आप अपने आप को रोक कैसे पाती हैं? I guess I'm not as brave as you, Arjun. हमारे बैंड के साथ ऑडिशन दोगी? I mean, आगे जो होगा देखा जाएगा. कम से कम अपने अंदर के आर्टिस्ट को मरने तो मत दो. मैं क्या करूं? Chill, just go with the flow. Isn't this the guy from Trafalgar Square? Yes, it is. Let's just see how desperate he is. Sir? Sir, what about the audition? Sorry, I'm afraid. Look, I'm in a rush, yeah? But I've waited all my life for this. I'm afraid you'll have to wait some more. Please, please, sir, please. This song is 4.5 minutes. And you'll take 1.5 minutes to get out of here. I'm gonna sing. खानाबदोश खानाबदोश फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए रनिंग ड्रीम्स. खानाबदोश खानाबदोश फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए रनिंग ड्रीम्स. होंठों पे सिटी पैरों में सफर है दूर मंजिल साथ बस हुनर है. गुनगुनाएंगे हम चलते जाएंगे हम जब तक देखे ना सुने ना समझे ना माने ना ये सारा जहां. हम तो नदी ताल के रहे
रहते हैं हम दिल की सुराई सौंधी सौंधी गहराई जहाँ चलते हैं गीत जिन्हें कहते हैं हम भी? ये किसका है? मेरा है, उसका है? उसका, उसका। रिया, isn't this you? अप्पा, just like me, my look-alike. खाना बदोश, फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए London dreams. खाना बदोश, फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए London dreams. आसमां से चलती है आंधियों से बनती है ठोकरों में है अपने तो मस्तियां सागरों के यार हैं झूमने से प्यार है ढोलते रहेंगे हैं हमारा कश्तियां प्रिया को देख के कमजोर पड़ गया था मैं. इतने साल अकेले जिया था, किसी के साथ का ख्वाब देखने लगा था मैं. गलती कर रहा था. भगवान मेरा साथ देता रहा, जो मैं चाहता था मिलता गया. लेकिन मैं अपना वादा भूल रहा था. इससे पहले कि भगवान मुझे कुछ और सजा दे, मैंने अपने आप को सजा दी थी. मैंने फैसला कर लिया था कि म्यूजिक में अपना नाम करने के बाद ही मैं प्रिया को बताऊंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूं, कितना प्यार करता हूं. इससे पहले मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ महसूस नहीं होने दूंगा. लंदन में बहुत बड़ा स्टार बन गया है. वो जैसे आएगा आप सबकी रकम लौटा देगा, वो भी तीन गुना ज्यादा. तीन गुना ज्यादा? ओए शर्म करो, मैंने कहता था बंदे की नियत कितनी साफ है. आजा पुत्र आजा, जल्दी कर, देर न कर, पैसे मंगा जल्दी. चल चल आजा, मैं भी आ गया, अंदर ही आ गया. अच्छा अच्छा हाँ मनु, वो बैंडेड आ गया. बहुत हो गई टेलीफोन शेलीफोन पे गल, अब तू गाँव आ जा. अबे कितनी मेहनत कर गया तू वहाँ पे. ओए अब तो तेरे कॉल वजह भी है. क्या वजह? अबे शादी है, कार्ड बस पहुँचने वाला होगा तुझे. शादी कार्ड? हाँ, छपके उड़ चुका होगा. आ रहा है, आ रहा है. मंजीत भेट सिमरन और सुन, संडे को अनंत कारज है. ओए पांच दिन में शादी और तू मुझे अब बता रहा है? अरे यार, वो लड़की के बाप ने सर पे दो नाली रख दी थी. हफ्ते भर में डोली नहीं उठी तो आरती उठाने लड़की के चाचे मामे आ जाएंगे. ये कैसा तरीका यार? वो तो समझा कर यार. लड़की अगर दो महीने से प्रेग्नेंट हो तो लड़की के बाप को सर पे दो नाली रखनी पड़ती यार. शादी कन्फर्म है और तू शादी में आ रहा है. Ah!
देख मैं आ गया। अरे नाराज क्यों हो रहा है यार, लेट हो गया लेकिन आ गया। देख तू बात नहीं करेगा तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। अरे यार मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो यार। यार दस कमाल दी गल है। ओ प्राण, ओ लंदन रिटर्न हो यार। ओए नु, ओए ओए बंदा आ गया प्राण। और किसी बैंड टके में दम है कि कनपट्टी में बंदूक रख के मेरी शादी करा सके है? और वो कार्ड एक ही छपाया था। अब शादी इसी की, यहाँ पे हर साल एक मंजीत की शादी होती। ओए प्रा, अगर कार्ड नहीं भेजता तू आता कैसे रे? लड़की तेरी पैंट क्या रे, रुक रुको ए, ओए रुक जा। अरे बात दो कहां है, एक ही है, यारी में दो होते ही नहीं, उसको काटो दर्द इसको, यारी में तो होते ही नहीं। ओ कच्चे गुड़ सी है यारी, यारी हो मीठे पानी से प्यारी, तो आजो जश्न मना ले यार, आवे यार को गले लगा ले, दिल के अंधेरों को वो टटोले, मन को मिलो दे मत डाले खोले यारा। सुना क्या करता रहा तू मेरे पीछे? और तू काम करता गया, मैं इश्क करता गया, तेरा नाम होता गया, मैं बदनाम होता गया। वो तारा देख रहा? ओए विच वन, कहाँ? वही जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। मुझे भी दुनिया में उसकी तरह चमकना है। एक दिन हम दोनों को उसकी जगह लेनी मेरे यार। इसको अब बैंडेड तक है, तारा एक ही है और उसकी जगह एक ही होना चाहिए मेरे प्राक यार। बचपन में मैं तुझसे जलता था। ओ बट वाई? क्योंकि तेरे बाबूजी बाजे लेके तेरे पीछे भागते थे और मेरे बाबूजी बाजे से मुझे दूर रखने की कोशिश करते थे, फिर भी हमेशा मैं म्यूजिक की तरफ खिंचता चला गया। किसी और चीज में इतनी कशिश ही नहीं थी और महसूस भी की तो उसे अपने दिल पे हावी नहीं होने दी, क्योंकि रास्ता बहुत कट चुका है और मंजिल अभी भी करीब नहीं है। लंदन में एक स्टेडियम है, वेम्बली। एक दिन मैं उस पूरे स्टेडियम को भरना चाहता हूं और चाहता हूं कि वहां आए हर आदमी की जुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम हो।
ये वही जगह है जिसकी वजह से बाबूजी म्यूजिक से नफरत करते थे। अब बैंडेड टके, तुझे बचपन से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बाबूजी म्यूजिक से इतना नफरत करते क्यों थे? यार भाई, दादाजी का पंजाब में सुफियाना गायकी में बड़ा नाम था। एक दिन उन्हें सरकार की तरफ से किसी कल्चरल इवेंट के लिए वेम्बली भेजा गया। हजारों की भीड़ में गाने का पहला मौका था, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। जब बड़ा मौका मिला तो उनकी गायकी छोटी पड़ गई, वो गा ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी मट्टी का नाम खराब कर दिया और अपनी जान दे दी। इसलिए मनु, ये जीत फैमिली मेरे लिए बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ओ सीरियस बंदे, रुला दिया तूने यार, पत्थर में से आंसू निकाल दिया तूने। ओ भाई गुरु, ओ मेरे प्रा की सुनो, ओ प्रा तू मेरी सुन यार। इसके पहले कि तेरा दोस्त भूख के मारे मर जाए और तुझे मर्सिया गाना पड़े, ओ बैंडे टक्के चल यार ढाबे पे, कुछ रोटी छोटी तोड़ते हैं यार। दो बटर चिकन, दो पनीर बकरी, दो रोगन गोश, दो तंदूरी चिकन, दो काली दाल, दो रन, अरे दो पुलाव करेगा क्या? अब बैंडे टके, ये ढाबा तीन आइटम में थोड़ी खत्म होगा, ये पंजाब है पंजाब। अब होकर चंद को खिला देना, रोज आ जाता है उधारी की खाने के लिए। अच्छा सुन, पैसे का क्या हिसाब किताब है तेरा? हिसाब तुम लोग सबका कितना कितना है? एक मिनट, मेरा पहले 20,000। 15,250 रुपए 35 पैसे। ओए 25,525 रुपए 55 पैसे। 28,325 रुपए और मेरे 30 पैसे जरूर लिख। ओ याद आया, 98 रुपए 45 पैसे भी है। ओ एक काम करो, तुम अपने अकाउंट में डाल दो ये। क्यों, बारात में आया मेरी ये? मेरे को तो अपना ही टोटल करने में 2 दिन लग जाने हैं। और फिर एक काम करो, बोलो 2 दिन बाद आना। ओए, 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 ओए। अरे हिसाब तो ऐसा है कि किसी भी किताब में मेरा नाम का कुछ लिखा ही नहीं है। जल रहे ऐसे ऐसे। पर साल में यहाँ कितनी शादियाँ होती होंगी, घर कैसे चलता है? घर लंदन से आएगा 3 गुना चुकाएगा, तो यहाँ पे उसको पूरा आराम होना चाहिए। और जो जो बड़े आदमी के घर में होता है वो यहाँ पर होना चाहिए। क्या क्या होता है? सोफा, बेड, डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर, मोबाइल, बड़ा कूलर, एसी, पालतू कुत्ता, वो छतरी वाला टीवी। रखेल, रखेल छोड़ के मन्नू, आज शामी हर कुछ चायदा ही चायदा। ठीक है भाई, 3 गुना दे रहा है, इतना तो करना ही पड़ेगा। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आखिर तू देख ले। ये आ गया घर, तू बेडरूम देखेगा तू पागल हो जाएगा। ब्लाउज तू पहनता है? यहाँ पे लड़कियां आती ट्रांजिट में। बच्चे भी ट्रांजिट में आते होंगे? अबे नहीं, ये कल करे सो आज कर वाला किस्सा है। देख, शादी होगी तो ड्रेसिंग टेबल ले लिया, जब ड्रेसिंग टेबल वाली आएगी तो बच्चा होगा, जब बच्चा होगा तो पालना है ना। ओ तो फिक्र मत कर, तेरे दोस्त यहाँ पर बहुत ठाट है, तू सो जा यार। गांव वाले तेरे दोस्त से यहाँ पर बहुत मोहब्बत करते हैं। ओ बेवकूफों, उसके जागने का इंतजार तो कर लिया होता। छोड़ा कर, तूने तो कहा था वो आते ही हमारा हिसाब क्लियर कर देगा, वो पट्टा तो आके घूम के खा पी के सो भी गया। ओए आते ही नहीं, जाते ही कहा था मैंने। अरे गलती मेरी है, छोटे लोगों को बड़ी चीज समझाना नहीं चाहिए। अरे कितना समझाया कि 1 पाउंड 80 रुपए होता है, मेरे दोस्त को 3 गुना ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन छत नुकसान कर दिया खुद का। 25 तारीख को आके अपने पैसे ले जाना, चलो। ठीक है बेटा, 25 तारीख तो कल ही है जो भाइयों। और सुन मन्नू, भागने की कोशिश मत करना, आखिर ये 20 साल बाद तेरी 25 तारीख भी आई गई। ओए ठीक है, ठीक है, कल आके पैसे ले जाना मुझसे 7:30 बजे। और सुनो, 1 2 3 करो मुझे फ्री, चलो।
अबे तू समझता नहीं, गांव वाले मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, बहुत प्यार करते मुझसे यार। अमृतसर एयरपोर्ट तक तो छोड़ने जाना ही पड़ेगा। अबे तू समझता नहीं, गांव वाले समझेंगे नहीं यार, ऐसा लगेगा कि मैं लंदन जा रहा हूँ तेरे साथ यार, उनका दिल टूट जाएगा। यही कहीं होगा, ध्यान से देखो यार। इसके पहले के गांव वाले भी तुझसे उतना प्यार करना शुरू कर दे जितना कि मुझसे करते हैं। चल 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 चल, तेरे साथ बैठता हूँ कुछ देर और फिर चलती हुई ट्रेन से कूद जाऊंगा। गाड़ी जल्दी रवाना करो। मनु हमें भूल गया ना? नहीं पाजी, मैं कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, ये तो मेरा प्राज आ रहा है लंदन, मैं तो भटिंडा में ही मरूंगा यार। चला जाएगा एक दिन, फिर कब मौका मिलेगा हमें? क्यों भाइयों? देखो तेरे से कौन मिलने के लिए आया है? पूरा भटिंडा तो तूने ट्रेन में फिट कर दिया है, और किसको लाएगा? आजा आजा। और कौन है? बगल के पिंडी से बुलाएगा वो। आजा यार पुत्र, तेरे से क्या लिया मैंने? अरे बांदे मन्नू भैया। हाँ पुत्र। लंदन से मेरे लिए एक सुंदर सी मेम गुड़िया लाना। ओए आयश जी, तो वहाँ पे भी सस्ता हो जाएगा, फोन वन करते रहना, बोला जाना हमको। अच्छा हुआ बेटा तूने हमको बता दिया। यो मन्नू, तीन गुना ज्यादा प्यार करने लगे हैं तुझसे। इन बैंडेड टकों को इंसानों से कोई प्यार नहीं है, इनको तो सिर्फ तीन गुना ज्यादा पैसों से प्यार है। होगी तेरी 25 तारीख, और तारीफ करो तेरी। चलो भाई चलो चलो चलो, आगे अपनी औकात पे जा रहे हैं भाई, चलो चलो। दोस्त को खरीद के जा रहा है तू? तू भी आ रहा है लंदन मेरे पास? लंदन? अरे मैं लंदन में क्या करूंगा यार? जब आएगा तब बताऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तू वहां आएगा। ओके back. Hello. Welcome back, bro. Thanks. Why? Only 1 week left for the concert, guys. समझ लो हम चारों बड़े स्टार हो गए। चारों नहीं, पांचों। ये पांचों कौन है? मनु। Is he any good? मैंने उसे गाते हुए सुना है। He's good. प्रिया तुम उसे पिकअप कर लेना एयरपोर्ट से। Yeah, sure. Here you are, Mr. Manjeet. Oh, bad. तू मेरा नाम जानती है? यस सर। तेरा नाम क्या? एन। एन? ये लाइन वाली भी अच्छी जगह लगा तेरा नाम प्लेट। चुभता नहीं है? नो सर। वो तो पंजाब से? सर एक्सक्यूज मी सर। हैं? स्क्वीज मी? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some minor turbulence. Please return to your seats and keep your seat belts fastened. हिंदुस्तान का। Thank you. रास्ते में खड्डे खड्डे, हवा में भी खड्डे। पानी किधर? Water, water, water. ऊपर? हैं? क्या? बुड्ढा झूठ बोलता है? इसी तरह तुम लोगों ने हिंदुस्तान पर झूठ बोल बोल कर राज किया 200 साल? हे हे यू आर सर। अरे ये क्या है? मैंने तो पानी मांगा था। हे हे हे, पिला पिला की टून कर रही हो, फायदा उठाओगी? अब ले आई हो तो सुन, चला ले आई प्याज काट के। शो सर। दिवाली की उम्र चली गई है तो पटाखों का शौक पाल कर करोगे क्या? वेर गोर फॉर टू सुसु स्टार्ट वाई हो गए। सा 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 सर, बाथरूम उधर है, ये प्लेन का दरवाजा है। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया,
वरना नीचे पूरा शहर भीग जाता। ओ ये तो विलायती है यार। This drunk idiot in the first class cabin is driving me insane. ओ ये है ना? वो टंकी में पानी नहीं है यार। Sir, it's a vacuum lavatory. इसमें पानी की जरूरत नहीं होती। सक्शन से सारा वेस्ट निकल के एक कलेक्शन बिन में कैबिन लेवल के नीचे जाता है। अच्छा? अच्छा तो फिर बुआ लगा दे। बुआ? कौन बुआ? बुआ दरवाजे को बोलते हैं यार। लगा देना। Yes, sure sir. मैं बुआ लगा देती हूँ। भाई भाई, आओ ये अंदर। क्या बोल रही थी वो सक्शन भेद? क्या बोल रही थी? But you people are not. First time, last time, London. First time, last time, plane. Go back, Belgadi. Belgadi. Wait, wait, wait. Sorry, sir. You got to go again. I'm sorry, sir. We're going to have to strip you. Strip? Boy, get you strip. No strip. Sir, for security reasons, you have to take your clothes off. Oh, is this the thing? Come. Want to meet Mr. Manjeet Khosla, arriving from Amritsar. Please contact the travel desk immediately. Wow. Announcement. Seems like a big guy. बचपन में एक 25 पैसे का सिक्का निगल लिया था। आज तक नहीं निकला है। समझा समझा के थक गए हबशियों को। लेकिन इनको बात समझ में नहीं आ रही। ये निकली नहीं और ये निकालने दी नहीं वरना। वो चैंपियन हंस रही है और की और नाड़ा कितना भी कस के बांध लो खुल जाता है। टाई साली नहीं खुलती। खोल दे। तुसी इधर इंतजार। मैं आल के दिखा। I love you, yaar. Okay. Oye, मुझे कच्चे में देख के आंधी हो गई तू? ये देख मन्नु. यो प्रा, तेरे तो बहुत जल रहे हैं यार. ओए, एडी. ओए लंबू. ओए. तेरा नाम क्या है? वसीम. अरे मैं मन्नु. ओए तेरे सर पे क्या चिड़िया का घोंसला? नहीं नहीं. ओए. ओए ये क्या नथनी तू यहाँ पे बनता है दर्द नहीं होता तुझे एनीवेज वेलकम टू लंदन और मेरा नाम मन्नु है ज़ोएब ओ बेड़ी ओए प्रभात तेरे ये तो भाई बहुत कमाल है यार इसे पंजाब लेके चला जाऊंगा तो राजा रानी बैंड पूरे पंजाब में बैंड बजा दूंगा यार इट्स ग्रेट फन यार ना चलो कुछ काम वाम करें ओ बेड़ी सब समझ गया यार क्या काम शाम करना है अब यार मुझे लंदन सेंटर घुमाओ यार क्या देखोगे बकिंगम पैलेस इसके लिए तो कोई म्यूजियम ही ठीक रहेगा तो मैडम टुसाज दिखाते हैं मैडम टुसाज मैडम लंदन आए और लंदन अक्षक नहीं यार लंदन की पूरी बॉडी शॉडी दिखाओ ऐसा कुछ दिखाओ कि यहाँ पर बस ही जाऊं मैं he is my type allow me allow तुम नहीं जा रहे हो ए ज़ोएब ए ज़ोएब तेरी गर्लफ्रेंड बैंडी सुन ये देख यार इन दोनों को इसका ख्याल रखना है तो दुख नहीं पहुंचाना रुक 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 अरे इज्जत से यार कीप अस सेफ नमस्ते बाबू जी ओ यार मजा आ गया मुझे प्यार हो गया यार लंदन से लंदन के लोगों से और लंदन की शराब से और लंदन के ठेकों से यार और
No, और तुम्हारे no. बाल भी ऐसे कर्ली होने चाहिए। बढ़िया से यार। तू उसके टाइप है नहीं? तो मुझे पता है, मैं ही मेरे टाइप का हूँ और कोई भी नहीं है। यार, वो तेरे तेरे गांव की पंजाबन नहीं है। वो मैं जानता हूँ, ये मद्रासी है। अरे लेकिन जोड़ी मैंने थोड़ी बनाई है, वो तो रब ने बनाई है जोड़ी, इसलिए पंजाब की याद दिया थी तुझे। How are you? Come on. Control yourself. Good. Shut up. क्या कर रहा है यार? अरे देख ना यार, शुरू में इतना अच्छा तो गोडाउन कैसे होगा? अरे चलने हैं। अरे come on यार। चल 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 चलो। Let's go. Come, come on. No, I come, come. अर्जुन बोल रहा है ना? Wow. Hey. अरे यार, बहुत बड़ी गलती की यार। क्यों? बहुत बड़ी गलती की। अरे यार, क्यों निकाला? इन लोगों ने हमको ट्रेन दी, स्कूल दिया, डाक दिया, रोड बनाए। अगर ये 20 साल और रह जाते तो हम क्या जगह है? She was good one, man. वसीम, not that one, another one. Yeah, she was looking at ये सब देखने के बाद प्यार की जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है मुझे। तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार हो जाएगा? तो बार बार ना कहती ना, इसलिए तुझे जलाने के लिए सब करता हूँ मैं। तो एक बार हाँ कह दे बदल जाऊंगा। आशिकों के मिजाज ही कुछ ऐसे होते हैं। सबने बहुत देखता है तुम्हारा दोस्त। तू इसके सपने छोड़, चल प्रैक्टिस करते हैं। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। दिन बड़ा था तो कुछ बड़ा होना ही था मेरे साथ, और कुछ बड़ा हो गई रहा। खुशियों की लहरें गाए, दिल के तापू तक आए, डूब जाने की रुत है, आजा प्यार में घुल जाए। आज ना खुद को रोको, प्यार में खुद को झोंको, शिकवों के सारे पर्दे खींच दो। आसमां पे छाना है, गुनगुनाना है, पंजा बादल दिल कहता है, भीग जा यारा। सागरों पे झूम चलो, मौसम के चीते बिखरने दो सारे नजारे, संवरने दो आसमां पे, हो आसमां पे छाना है। मैं को देख नहीं सकता, तू मुझे गाने को बोल। अबे नहीं यार, ओए तुम्हारी मौत तो मरो। फुले लगा ले, दुनिया तेरी मेहमान है। ये दिल पड़ा है, नगीने चढ़ा है, तो जश्न मना, मेरे दिल में जाम उठाओ, इसमें फिल्में
दिल के तांपों तक आए, डूब जाने की उठे आजा प्यार में घुल जाए, आज ना खुद को रोको, प्यार में खुद को झोंको, शिकवों के सारे पर्दे खींच दो, आसमां पे छा रहा है, गुनगुना रहा है, बन जा बादल दिल कहता है, भीग जा यारा, बरसो बरसो यारो बरसो रे, बरसो यारो, बन के प्यारे यारो बरसो रे, चाचा तुझे पहचान गया। सारी लड़कियां तुम्हें ही दिख रही है यार। क्या बात कर रहा है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। ओए होए होए होए, बड़ी बदमाश है तू। मेरी सब खबर रखती है। तुम साथ में हो तो रखनी पड़ती है। तेरा शो, तेरा बैंड, तेरा यार, सब लाजवाब है। तेरा सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपने आप पर भरोसा हो तो दोस्ती और भी कामयाब बना देती है, और अगर अपने आप पर शक हो तो बर्बाद भी कर सकती है। मैं चलता हूँ चाचा जी। ठीक है बेटा, मिलता हूँ। खुश रहो। जी तेरे के। इसलिए बोल रहा हूँ, तू हाँ कह दे, ये सब छोड़ छाड़ दूंगा मैं। अगले जन्म में सोचूंगी। तो इस जन्म का बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। ओए होए होए, अंग्रेजों से बदला लेने का वक्त आ गया है मेरा।
Yeah, that was like the best. No, 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 I'm the guitarist of the band. He's the, you know, the bass guitar. Arjun, here's my secretary, Eva. Hello. Excuse me, sir. Can I talk to you for a moment? Excuse me. Of course, go ahead. I'm very lucky to have signed. Sir, what does music mean to you? There's music in the sighing of a reed. There's music in the gushing of a rill. There's music in all things. If men had ears, the earth is but an echo of spears. Shakespeare? Lord Byron. Thanks. Mr. Arjun, आपको म्यूजिक का शौक कैसे हुआ? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कब और कैसे हुआ? ये तो पता नहीं। लेकिन जब से मैं हूँ, ये है। और आपकी इंस्पिरेशन? खुद म्यूजिक या फिर जिंदगी? मैंने जब से अर्जुन, अरे मन्नू, he's crazy. अरे अर्जुन उधर है भाई। अर्जुन बाल बाल बच गया यार। मैं एक कलिस्ता करके आई थी मेरे साथ हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, घर लेके गई मुझे, बताना भूल गई कि उसका एक मुस्टंडा पति भी है। म्यूजिक किसे सीखा आपने? मेरे बाबूजी म्यूजिक टीचर थे, तो माँ ने मुझे कहा कि जो भी मुझे सीखना सिखाना था वो मैंने उनके पेट में सीख लिया। बाहर आने के बाद तो मैंने कुछ नहीं किया सिवाय मस्ती के। हमने सुना है कि इससे पहले आप इंडिया में किसी बैंड में बजाते थे। हाँ बजाता था ना, राजा रानी बैंड में। इधर प्राय यार अर्जुन जो मुझे यहाँ पर लेके आया, वरना पड़ा होता पंजाब में किसी गन्ने के खेत में। मिस्टर मेन्यू, तूने मुझे मेन्यू एक और बार बोला तो मैं तुझे मेरे मेन्यू में शामिल कर दूंगा। मिस्टर मेन्यू, हु आर योर फेवरेट म्यूजिशियंस? दिस इज फकिंग बुलशिट। ये सब सवाल तुमसे पूछे जाने चाहिए। इसको क्या हो गया? म्यूजिक आपके लिए क्या है? जान है मेरी, इसके बिना सांस ली नहीं जा सकती और उसके बिना नींद भी नहीं आती। इसका साथ है तो जिंदगी है, अगर ये नहीं तो जिंदगी नहीं है। सच तो ये है कि जो बात कहने में अजीब लगती है वो गाने में बहुत कमाल लगती है, और इसलिए इस दुनिया में म्यूजिक ही म्यूजिक है। जय हिंद। अरे गर्ल सुन, इतने आई। व्हाट? तुमने सुना मैंने क्या कहा म्यूजिक के बारे में? अबे तेरे बारे में। कलिस्ता के घर पे याद नहीं है? हाँ। कि मेरी जान कौन है? किसके बिना नींद नहीं आ सकती, सांस नहीं ली जा सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुन तू हाँ बोल दे, कलिस्ता वलिस्ता सबको लात मार के भगा दूंगा। नेवर। हाँ। प्यार का इजहार किए बिना हक नहीं जताया जाता, समझी? सिर्फ ट्यून फाइनल है, रिदम और बोल बाद में फाइनल करते हैं। एफ माइनर ले। ओके। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। हिट है ब्रो, बहुत बड़ा हिट है। फिर से लेट? अरे यार रात को कुछ ज्यादा हो गई मुझे। लेकिन क्या मीटर में तूने ये गाना कंपोज किया अर्जुन, मेरी तो फटी गई। अच्छा नीचे आ, अपना नोटेशन ले ले। अरे नोटेशन क्या होता है, एक बार पुराने गा दिया यहाँ पे दिमाग में फिट हो गया। क्या एक बार सुना और याद भी हो गया? अरे अपनी स्टाइल ही कुछ ऐसी है मायो, अपन अपने प्रा से कुछ रिपीट नहीं कराते। क्यों प्रा, जरा आधा हवा में रख। हाँ। क्या मीटर चुना तूने यार? ओए तेरे को पता है कि इस मीटर में ओए क्या क्या धुन बन सकती है? ये देख तेरी धुन
हिंदी फिल्म स्टैंड में। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। ओ प्रा यार, दिस इज ब्यूटीफुल प्रा। अरे सुन, अगर तू इसको जी मेजर में लेता है और मेरा भाई 82 का टेम्पो देता है तो गजल सुन। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। तेरे आने से आदाब आदाब आदाब, ये देख हिप हॉप। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। Shake it out now. तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। Shake it out now. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, baby. भाई और भाइयों, अब आते हैं प्रा का मीटर और प्रा का स्टाइल। तेरे आने से दिल को ये क्या हो गया, मेरा दिल जो यहाँ था कहीं खो गया। जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं भगवान से लड़ बैठा। मैंने उसे पूछा कि संगीत का जुनून मुझे दिया तो हुनर मन्नू को क्यों दिया, कौन सी कमी रह गई थी मेरी लगन में, कौन सी कुर्बानी देना बाकी रह गया था। जो संगीत को आज तक मजाक मानता रहा उसी की उंगलियों में सारा जादू भरने की वजह क्या थी, मन्नू के गले में ही बैठने की वजह क्या थी। मन्नू मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं कुछ और मांग बैठता, लेकिन मन्नू मेरा दोस्त था इसलिए मैंने भगवान से यही मांगा कि वो मेरे दोस्त को सारी खुशियां दे, नाम दे, पैसा दे, लेकिन उसके जैसा हुनर मुझे दे, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। Have your attention, please. और इसी के साथ तुम मेरी होगी हो स्वाहा। Attention, please. London Dreams will go on a 3-city tour: Paris, Rome, and Amsterdam. Yes. बोलना क्या बोला? Tour, tour पे जाएं। There is more in store for this wonderful Indian group, but that will come as a surprise. After the completion of this. Successful tour. Yeah. No way. We have to rock this, man. अरे बाबा, कुड़िया छुड़ी कैसी यार? Sir. ओ पैंडी. It's GBC for you. Hello.
पार्टी शार्टी टोट छोट भी है? टोट छोट भी है? तू एक काम कर, तू एक लंबी सी गाड़ी भेज दे, मैं आ रहा हूं। क्या हा? जा रहे हो? अरे कोई घास नहीं डाल रहा तो रुक के क्या फायदा? तुम तो बड़े सीरियस थे मेरे बारे में। नाई की मर्जी होने से क्या फायदा, राजा की बेटी को भी तो राजी होना चाहिए। एक बार हाँ कर दे, ये सब टूटे छोटे सब आउट कर दूंगा मैं। इसका मतलब के इंग्लिश में मन्नू की इन स्टोरीज का दी एंड और फ्रेंच में फिन। फ्रेंच वेंच भी सीख ली कैसे? अब अपने मुंह से क्या तारीफ करना, चेन्नई एक्सप्रेस क्या बताए कि कितनी ट्रेन इस स्टेशन से गुजर के चली गई यार, सिर्फ बैंड। चेन्नई एक्सप्रेस ही लेट है। लेट नहीं, वो इस रूट से जाती नहीं है। ओए चल दो खींच के तुझे एक, कि मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती है। बिल्कुल नहीं। देख मन्नू किताब शिताब मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ पाता है, लेकिन लड़कियों की आंखें खूब पढ़ लेता है। सुन मैं जानता हूं तू क्या सोचती है। तू ये सोचती है कि मन्नू तो सुधरने वाला है नहीं, तब फिर हां कहके क्या फायदा? पता मैं क्या सोचता हूं, जब तक तू हां नहीं कह दे तो मन्नू के बदलने का क्या फायदा? सब बहाने हैं। अच्छा? तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी एक होकर रह ही नहीं सकते। सुन गाड़ी में घुसने से पहले हां कह दे वरना मैं चला। क्या देख जा रहा हूं? सुन रोक ले मुझे, देख क्या हो रहा है वहां पे, अकेली रह जाएगी। सुन जितना टाइम तू लेगी उतना मेरे लिए अच्छा है, इतना बड़ा ईगो बराबर नहीं है। बोल दे हां। चेन्नई एक्सप्रेस जा रहा हूं। पापा देख ईगो छोड़, चेन्नई एक्सप्रेस मेरे साथ चल, इनको भगा दूंगा मैं चेन्नई एक्सप्रेस। सर मेरा नाम अर्जुन है, आप शायद मुझे जानते हैं। मैं आपको एक सपने के बारे में बताना चाहता हूं, लंदन ड्रीम्स। यह अब सिर्फ मेरा ही सपना नहीं बल्कि आपकी बेटी का भी है और यहां के हर हिंदुस्तानी का भी। इस बैंड को जो कामयाबी मिली है शायद यहां किसी और इंडियन बैंड को मिली हो। यह बैंड और आगे जा सकता है और आपकी बेटी भी, लेकिन इसका फैसला आपके हाथ में है। आप उसके रास्ते में आना चाहते हैं या उसे वो नाम वो शौहरत देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करती है। आप उसके पिता हैं और आपको पूरा हक है उसके कल का फैसला करने का, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी है और एक संगीत प्रेमी भी। इसलिए फैसला सोच समझ के कीजिएगा। बना ले दुनिया तेरी मेहरबानी।
के तापों तक आए, डूब जाने की उठे आजा प्यार में खुल जाए, आज ना खुद को रोको प्यार में खुद को झोंको, शिकवों के सारे पर्दे खींच दो, आसमां पे छा रहा है गुनगुना रहा है पंजा बादल, दिल कहता है भीग जा यारा, बरसों बरसों यारो बरसों रे बरसों यारा, बन के प्यार यारो बरसों रे, सिर्फ तुम्हारे लिए। Really? अरे नहीं, हर आधे घंटे में ऑन होता है। मैंने सोचा कि आईफिल टावर के साथ तुम्हारी बत्ती भी ऑन कर दूं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ किया मैंने। हील यहां घुसेड़ो। जिस लड़की के पैर से उतर के लाया हूं उसने बहुत मेहनत कराई मुझसे बैंडी। मजाक कर रहा हूं, खरीदा बड़े प्यार से, रसीदे में बस दिखाऊं। और किसी लड़की के साथ नहीं था मैं, बल्कि अपने चेन्नई एक्सप्रेस के लिए ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था। सोचा खाली हाथ कैसे पूछूंगा, हमेशा मेरी होके रहेगी। पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहा हूं आखिरी बार, इसके बाद ना कभी पूछूंगा ना कभी बताऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बोल। सुना? कुछ बोलेगी तो सुनूंगा ना। ओए, जब से मिली मुझे भगाई जा रही है। कभी सैक्सोफोन पे डांस किया है किसी लड़की के साथ? राजा रानी बैंड में बजाया बहुत, बहुत बजाया, लेकिन कभी डांस नहीं किया। क्यों? आज के बाद कभी करना भी मत, नहीं तो जान से मार दूंगी। ओए होए 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 होए, चेन्नई एक्सप्रेस स्टेशन पर आ गई। मन को अति भावे सैया करता था थैया, मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे, हम प्रियतम हृदय पसैया पागल हो गैया, मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे, जो मारी नैन कंकरिया तो छल की प्रेम का करिया, और भीग सारी ना करिया सब नृत्य करे संग संग, पर बाण लगे नस नस में नहीं प्राण मरे अब बस में, मन डूबा प्रेम के रस में हुआ प्रेम मगर गण गण, सौंपा तुझको तन मन, मन को अति भावे, मन को अति भावे सैया करता था सैया, मन गाए रे हाय रे हाय रे हाय रे, हम प्रियतम हृदय पसैया पागल हो गैया, मन गाए रे हाय रे। Thank you.
उथल पुथल बावरा सफल सांसों में सरगम का त्योहार है बनके मैं पवन चूम लू गगन और ऋतुओं पे अब मेरा अधिकार है संकेत किया प्रियतम ने आदेश दिया धड़कन ने सब वार दिया फिर हमने हुआ सफल सफल जीवन अधरों से वो मुस्काई काया से वो सकुचाई फिर थोड़ा निकट वो आई था कैसा अद्भुत क्षण ओ बेटे बेटे मैं हूँ संपूर्ण मगन मन को अति भावे मन को अति भावे सैया करता था सैया मन गाए रे हाय रे हम प्रियतम हृदय बसैया पागल हो गैया मन गाए रे हाय रे पुष्प आ गए खिलखिला गए उत्सव मनाता है सारा चमन चंद्रमा झुका सूर्य भी रुका दिशाएं मुझे कर रही है नमन तुम्हें जो थामी पैया सब नेली मेरी बलैया खुद बुद मेरी खो गैया रोम रोम भुवन जब प्रीत फसल लहराई धरती ने ली अंगड़ाई और मिलन बदरिया छाई कसके बरसा सावन मन को अति भावे मन को अति भावे सैया करता था थैया मन गाए रे हाय रे हम प्रियतम हृदय पसैया पागल हो गैया मन गाए रे हाय रे तक मैं यही समझ रहा था कि भगवान मेरा इम्तिहान ले रहा है लेकिन वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था एक एक करके मेरी मांगी हुई हर चीज हुनर नाम प्यार सब मन्नू की झोली में डाल रहा था मेरी लगन मेरी प्यास मेरे सपने का मजाक उड़ा रहा था भगवान ने मुझे नहीं मेरी जगह मन्नू को चुना था मेरे सामने दो रास्ते थे या तो मैं भगवान के खेल में अपनी हार मान लूं या उसके खेल को पलट दूं हार मानना मुझे आता नहीं था खेल पलटने के अलावा और कोई चारा नहीं था चोटी पे अकेले खड़े होने के लिए दूसरे को गिराना जरूरी है और मैंने वही करने का फैसला कर लिया Yo, prop bandy, me bring you from gift. Up band, kaisa laga? Kya? Up bandit tak hai, piano hai. Bachpan mein uthane ki aukaat nahi thi, jawani mein kharidne ki aukaat nahi. Len bandy, tere liye kharid hi liya, kyunki aaj main bahut khush hu. Rab ne Chinna Express ko mere station pe lai diya. Tera har kaam rab karta hai na? Haan, pra. तो मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा यो प्रा यो माय रब प्रा तू ही तो मेरा रब है मेरे भाई तू ही तो मेरा रब है यार
रब देता है तो छीनता भी है। ओ बैंडी, तूने तो मेरी पूरी चंपाग्नि उतार दी यार। मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। मैंने चेन्नई एक्सप्रेस को ही बोल दिया कि मैं किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। यही करना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, किसी और की तरफ मत देखो, सिर्फ अपनी तरफ देखो। और उसके लिए फिर किसी को परा तो रो क्यों रहा है परा? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं मनु। मैं जानता हूं परा, लेकिन तू बता क्यों रहा? मुझे माफ करना मनु, मुझे माफ करना। अब दारू मैंने भी और तुम तो हो रहा है यार परा। मनु तुझे पता है ना, मैंने आज तक जो किया और आगे भी जो करूंगा सिर्फ अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए करूंगा, तुझे पता है ना। मुझे माफ करना मनु। परा मैं भी तो तेरे साथ फोड़ डालेंगे यार। मुझे माफ कर परा, मुझे माफ करना मनु परा। जगह अच्छी है ना, मुझे मालूम था पसंद आई मुझे। यार अच्छा है, एंजॉय करना, टेंशन मत ले। अच्छा मैं आ रहा हूँ दो मिनट। कहाँ जा रहे? मुझे लू जाना। हाँ, जा तू तब तक ये मॉल देख, कंट्रोल करियो। हाँ My God, I'm so excited. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank you. It's so good to see you here. बस बस यहीं तक है, नहीं तो चेन्नई एक्सप्रेस अपसेट हो जाएगी। Can I please get an autograph, please? I'll get it for you. Come. Excuse me. Can I get a pen, please? Autograph, please. Thank you. Hey, drink nahi pilaoge? Yahan pe chai coffee milti nahi. Two tequilas, please. I cannot believe ki main Manjeet Khosla ke saath tequila pee rahi hu. I'm so excited. This is so jaldi karo kyunki mujhe kisi ke saath rasam peena hai. Oh, there's the tequila. Namak neebu kya hai ye? इस नमक के साथ तो सभी पीते हैं। इसके साथ पी के देखो, नशा दुगना हो जाएगा। तू घर से नमक लेके घूमती? चलो अच्छा, अपना भी काम जल्दी हो जाएगा। You wanna dance? No dance, but dance का वादा मैंने अपनी चेन्नई एक्सप्रेस मेरी जान के साथ किया, और वो भी भांगड़े का नहीं, भरत नाट्यम का। क्यों, कोई स्पेशल है क्या? अरे ऑफ कोर्स यार, जान तो स्पेशल ही होगी। सिर्फ एक डांस तुम्हारी जान के नाम? अरे नहले पे दहला बड़ी शानी है, तो तुमसे चार पांच दिन पहले क्यों मिला? Come on, let's go. Tequilas, please. Yeah.
एम्बुलेंजा 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 कौन थी वो लड़की? सच कह रहा हूं अर्जुन, मैं नहीं जानता। प्रिया को पता चलेगा तो जानते हो क्या होगा? तेरी कसम यार, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या कर रहे थे तुम उस गाड़ी में दुनिया भर के ड्रग्स के साथ? और वो गाड़ी कहां से मिली तुम्हें? कुछ भी नहीं आता मुझे, तेरी कसम। खुशकिस्मती समझो कि पुलिस को सेटल कर दिया, वरना जा रहे थे तुम 15 साल के लिए अंदर। मुझे पता है जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं होगा। सुन प्रिया को कुछ मत बताना यार, नहीं तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं जाके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाता हूँ, हम आज ही लंदन निकलेंगे। ए? लेकिन आज एम्स्टरडम में शो है ना? शो आज था मन्नू, और तेरी इस हरकत की वजह से हम एम्स्टरडम के किसी स्टेज पे नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में। क्या गलत बोल रहा है अर्जुन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है, और ये साला। शट अप, आई डोंट केयर अबाउट द टो, बस मन्नू ठीक हो जाए। चल पेपर्स रेडी करवाते हैं। हमारे बारे में ना सही पर अर्जुन के बारे में तो सोचो, अपना टैलेंट तो वेस्ट कर ही रहे हो तुम, मगर साथ में अर्जुन का सपना क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हें? उस लड़की ने मन्नू में हर किस्म का ड्रग डाल दिया है, कोक, मीथेन, मैरवाना, वो उनके बिना जी नहीं पाएगा। He's finished. Not yet. डेली मेरा Amsterdam. Is it true Mr. Manu is on drugs? Mr. Manjeet, क्या ये सच है कि पुलिस ने आपको ड्रग्स से भरी गाड़ी के साथ पकड़ा? हमने तो सुना है कि प्रोफेशनल जेलसी की वजह से अर्जुन ने आपको नशे की लात लगा दी। क्या बोला? क्या बोला? तुझे मेरी स्टोरी पता है? Back off! Stay away! Asin, get out! तू मेरे साथ चल। इस आदमी ने मुझे पंजाब की गलियों से, पंजाब की गलियों से उठा के लेकर आया है। यहाँ पर नाम किया, शोहरत दी, एक मुकाम पे लग जाके खड़ा कर दिया। अंदर मारी, अंदर पहनी, आग के डाल दिया, परेड तक है। मेरे फ्रॉक के बारे में कुछ गलत बोलेगा ना? जाने लूँगा तेरी। You're trying to break bread. Let go. I'll break you. Your teeth, your nose, your head. मनो, स्टॉप। दोस्ती का मजाक बना दिया तुमने, स्टॉप इट। जग सारा जग सारा भेरा रब्बा जग सारा एक्सप्रेस। इतनी जल्दी याद आ गई तुझे मेरी? तुम ड्रग्स लेते हो? हैं?
तुम ड्रग्स लेते हो? और पहली बार में ही सुन लिया था, अंदर आजा चल। मनु तुम ड्रग्स लेते हो? मुझे ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है, तू है ना मेरा नशा। तो फिर प्रेस? ओके, इतना टाइट ठीक है? ठीक है, मेरी कसम खाओ। ओए, मेरी आंखों से मैं चर्सी दिखता हूँ? ये देख, देख, हाथ पे कोई निशान है? हा? तो फिर मेरी कसम क्यों नहीं खाते? चल तेरे लिए भी कर लेता हूँ। इतने आई? तेरी कसम चेन्नई एक्सप्रेस। Things are bad enough in the UK, let alone the US. But you guys even managed to piss your fan base off in India. And do you have any idea about the kind of reaction that has been seen there? The other day you were Desi idols, and now you blew it. I mean, this is what a little bit of success does to people. You've no idea of what I planned for you. I mean, if this three-city tour had been a success, I could have put you on at Wembley. Wembley? You've literally sabotaged your chances of playing at the world's largest stadium in front of 90,000 people. You never told me about Wembley. I told you that there would be a big surprise if you... Hell, what does it matter now? No, Simon. You can't do this to me. Wembley means the world to me. I've always wanted to be there, and you know that. Arjun, it's not up to me. The deal was that if the tour was a success, we'd put you on at a concert at Wembley. You guys didn't keep your part of the deal. Hey, Simon, Simon. Give me Wembley. You can take away my car, my house, whatever you want. Give me Wembley. Please, give me Wembley. I beg of you, give me Wembley. Please, please, Simon. How badly I want Wembley, you know that. Please, Simon. Please. Simon, maan gaya? ये सब मेरी वजह से हुआ। तू मुझे वहां से यहां तक लेके आया और मैंने तुझे किसी के पैरों में गिरा दिया। यार मैं तुझे यहां लेके आया और तू मुझे वहां तक लेके होता है। मैं चेन्नई एक्सप्रेस की कसम खा के कहता हूं कि भेड़िए सब रखना छोड़ दूंगा और तेरी कसम खा के कहता फैमिली में फोड़ दूंगा फैमिली में। फैमिली का शो तेरे लिए कितना मायने रखता है परा, तेरी कसम खा के कहता हूं कि बेस्ट शो होगा परा। मैं फैमिली में फोड़ दूंगा। मन्नू ने वादा किया है कि फैमिली उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। मन्नू का ये वादा पूरा नहीं होना चाहिए। पहली और आखिरी बार मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं ड्रग्स लेता हूं। एक वादा मैं अर्जुन से करके आया हूं कि मैं कभी ड्रग्स नहीं लूंगा, और एक वादा तुमसे करता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फैमिली में अपना नाम करना मेरा सपना है, मन्नू का नहीं। जहां पर अर्जुन के दादाजी बेइज्जत हुए, वहीं पे मैं अर्जुन को तालियों का शोर सुनाना चाहता हूं। इस बार हर ताली मेरे अकेले के लिए बजेगी, मन्नू के लिए नहीं। मैं वादा करता हूं फैमिली में अर्जुन का नाम होगा, जरूर होगा। लोगों के दिल से मन्नू का नाम मिटा दूंगा मैं। मुश्किल है, लेकिन मैं हर हाल में फैमिली पहुंचूंगा। मुश्किल है, लेकिन इस बार मैं उसे रोक के रहूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अर्जुन की कामयाबी। जिंदगी में मेरा एक ही मकसद है,
मेरी कामयाबी। उसकी जीत मेरा उसके साथ होना उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। मनु की हार के बिना मेरी जीत कभी नहीं हो सकती। I have a plan, लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये सब कैसे होगा मुझे पता नहीं, इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। Come what may, I assure you London Dreams will perform at Wembley. ऐसा लग रहा है कि नंगा कुल्लू मनाने की बात है। Number one, we have a brand new entry. It's Manjeet Khosla's London Dreams, the new anthem of the free world. Check it out. Manjeet Khosla's London Dream. फिर तुम्हारी जिद पूरी हो ही गई, पहुंच ही गए तुम वेम्बली तक। इसलिए आपका आना जरूरी है। जिस जगह से संगीत के साथ हमारा रिश्ता टूट गया था उसे वहीं से जोड़ूंगा मैं। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो सालों पहले शुरू हो गई थी गांव में। लेकिन तब तुम अकेले थे, अब तुम्हारे साथ मनु भी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं और आप मन्नू की। भाई पूछना तो पड़ता है, आखिर वो भी तो लंदन ड्रीम्स का हिस्सा है। हिस्सा है लेकिन लंदन ड्रीम्स नहीं है। मैं चलता हूं, आप जरूर आना। Night, big boy. Want some stuff? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? बताओ। आज तक तो कभी नहीं पूछा। आज अचानक नाम पूछने की वजह? वजह है तुम्हारा हर जगह यूं पहुंच जाना। मुझे ट्रक से भरी गाड़ी में अकेले छोड़ देना। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद बैक स्टेज पहुंच जाना। मुझे बर्बाद करने की कोशिश करना। बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? बता तू कौन है वरना मार मार के तेरे गाल लाल कर दूंगा। तू कहां से आई और तू टपक कैसे जाती है? बोल वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। Okay, I'll tell you. हाँ चल माफ किया, जल्दी बता तुझे यहां पर किसने भेजा? ये सब नाटक वाटक छोड़, बता तुझे किसने भेजा? ओए ये क्या करी तू?
I trusted you, Manu. Priya? Oi, Bernie. Priya? Priya? Oh, Priya. Suno, Priya. Meri baat to suno, Priya. Arey, Priya, suno to sahi, Priya. I made a mistake. I trusted you, Manu. Priya, ye ladki mujhe barbaad karna chahti hai. कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा? प्रिया, इसी ने मुझे ड्रग्स पे लगाया है। मुझे लगा तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम्हें यही सब अच्छा लगता है। Well, it's your life. मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं है। प्रिया, सुनो, तुम्ही को तो कहने का अधिकार है प्रिया, तुम्ही को हक है। नहीं मनु, आप नहीं है। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं होगा। You live your life and I live mine. Priya. चाहती कि हमारी वजह से असर बैंड पे पड़े, अर्जुन की ड्रीम्स पे पड़े, इसलिए हम सिर्फ प्रोफेशनल्स की तरह साथ में काम करेंगे। प्रिया, नहीं यार, अनु, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने सब सुन लिया यार, मुझे पता है तू बहुत तकलीफ में, अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये शो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अर्जुन के लिए। हाँ, ये ले, यहाँ जा, कुछ ले ले, ठीक है, पास में ही है, लेकिन ज्यादा मत देना, ठीक है, ओके। और याद रखना, अर्जुन के सोलो से पहले वापस आ जाना, ओके। चल जल्दी जा। जा रहा है ये? और तूने वो चिटकिया दी उसके हाथ में? एक ड्रग डीलर का पता लिख के दिया मैंने उसे। क्या? पास में है। तूने उसे? तुझे पता है कि वो इस बार अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ये तो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हर वो चीज जिस पे अर्जुन का हक था वो लेके गया। हमारा बैंड, हमारे गाने, लिरिक्स किसके थे? अर्जुन के। लेकिन नाम, पैसा, शोहरत किसको मिला? मन्नू को। तो पेरिस, रोम सब तूने किया? हाँ, पेरिस, रोम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और वेम्बली भी, सब मैंने किया। क्योंकि जब तक ये स्टेज पे रहेगा तब तक अर्जुन जो डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिलेगा, और थैंकफुली आज के बाद ये किसी स्टेज पे चढ़ भी नहीं पाएगा। How could you do this, Joel? How could you do this? आज तक तूने मुझसे जो भी काम, मैंने उसे हमेशा माना, क्योंकि मैं जानता था कि तू सही है, लेकिन आज तू गलत है। क्या गलत है? अर्जुन को उसकी सही जगह मिलनी चाहिए, किसी और को गिराकर, क्योंकि वो अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड है। टैलेंट सिर्फ अदा है उसके पास, म्यूजिक के बारे में क्या जानता है वो? हाँ, मेरा भाई है, मेरा भाई है,
How could you do this? How could you do this? Seconds to go, Arjun.
मनुकला बे मनुकला नहीं आएगा मनु साइलेंस 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 आई सेड साइलेंस साइलेंस नहीं आएगा मनु खत्म हो गया है वो लाइट लाइट आई सेड लाइट मैंने अपनी जिंदगी अपनी जान लगा दी तुम लोगों की तारीफ पाने के लिए और तुम लोगों को मनु चाहिए अर्जुन स्टॉप इट नहीं आएगा मनु कभी भी किसी भी स्टेज पे नहीं आएगा बर्बाद हो गया है वो स्टॉप इट आई सेड मेरे साथ दोस्त कहता रहा तू अपने आप को देख क्या किया है तूने मेरे साथ गाना गाता हूं तो लोग मुड़ के तेरे गाने का इंतजार करते हैं कुछ कहता हूं तो तेरी आवाज सुनना चाहते हैं मारो मारो और मारो मुझे और मारो चुप बास्टर्ड गलती सारी मेरी है मैं लाया था इसे लेकिन इससे मेरा नाम मेरा प्यार मुझसे छीन लिया हां मनु प्यार करता हूं मैं प्रिया से तुझसे कहीं पहले तुझसे कहीं ज्यादा लेकिन मेरी लड़ाई तेरे साथ नहीं है मेरी लड़ाई भगवान के साथ है लेकिन सारा गुस्सा मुझे तुझ पर निकालना पड़ा क्योंकि उसने मुझे नहीं तुझे चुना मेरी मेहनत मेरी लगन की कोई परवाह नहीं की मांगा मैंने लेकिन सारा हुनर तुझे दिया चाह मैंने लेकिन वही प्यार तेरी झोली में डाल दिया ये शौहरत ये नाम ये संगीत ये मेरा सपना था तेरा नहीं फिर ये तुझे कैसे मिल सकता है जिस संगीत का जिंदगी भर तूने मजाक उड़ाया हो उस पे तेरा नाम कैसे हो सकता है जिस संगीत की जिंदगी भर मैंने पूजा की हो उसमें मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूं ये ग्रुप मैंने बनाया था दिस इज नॉट मंजीत खोसला's लंदन ड्रीम्स दिस इज माई लंदन ड्रीम्स डैम इट गो टू हेल Ending to one of the greatest success stories in recent music history. Lundon Dreams, the band that took the world by storm over the last 6 months, has abruptly disbanded following the Wembley fiasco that exposed the growing rift between Arjun and Munjeet. This is Lara Aston at Wembley Stadium, City News.
भाई अंदर आ सकता हूं? सुना है आजकल तुम किसी से मिलते मिलाते नहीं हो, फोन भी नहीं उठाते, कहीं बाहर जाते आते भी नहीं हो। कब तक भागोगे दुनिया से? दुनिया तो खत्म हो चुकी है, अब भागने से क्या फायदा? दुनिया तो वही है बेटा, तुम्हें नजर नहीं आ रही। जिस काम में हम अच्छे हों उसमें सिर्फ हमारा ही नाम होगा, ये गलतफहमी हमें अक्सर हो जाती है। तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे संगीतकार थे, लेकिन वो अपनी एक हार, सिर्फ एक हार स्वीकार नहीं कर पाए और अपनी जान दे दी। तुम तो उनसे भी अच्छे संगीतकार हो, लेकिन मनु में तुमसे ज्यादा हुनर है, ये बात तुम स्वीकार नहीं कर पाए। उस दिन तुम्हारे पहले कॉन्सर्ट के बाद मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था। अब कर भी लूं तो क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी। मानते हो तो फिर ये देर सवेर के बहाने मत बनाओ, जाकर मनु को ले आओ। कैसे जाऊं उस गांव में वापस? अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि मैंने अपने दोस्त के साथ लंदन में क्या किया। अगर गलती मानते हो तो फिर किस बात का डर? अगर मनु के हुनर को स्वीकार करने की हिम्मत है, अपनी गलती मानने की हिम्मत है, तो फिर लोगों का सामना करने के लिए तो कम हिम्मत चाहिए। चल मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ये कहानी वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू हुई थी। चलो ठीक है। ठीक है। बेटा मन्नू ने हमें सब कुछ बता दिया है, वो नालायक तुझे छोड़ के आ गया, कहता है जी वहां मेरा दिल नहीं लगा, काम करके तो राजी है ही नहीं, एक नंबर का हड आराम है, इसलिए हम तुझसे माफी मांगते हैं बेटा, उसे कुछ मत कहना। मनु का है? वो रहा नौटंकी। ओए ये दुनिया जब ले के तराजू ओ देखा, प्रूफ देखा, है? अरे धंधा पानी भी बहुत अच्छा चल रहा है।
तूने मुझे लंदन रिटर्न बनाकर मेरा रेट डबल कर दिया। पहले 2,500 रुपए मिलता था, आजकल 5,000 रुपए मिल रहे हैं। और ये बैंड अटैक बोलते हैं मुझे कि राजा रानी बैंड का नाम चेंज करके लंदन ड्रीम्स रखो। ओए, तुम लोग से मैंने क्या बोला? कि वो लंदन ड्रीम्स मेरे प्राग का बैंड है यार। मनु, मुझे माफ कर दे। ये लो। ओ यार, माफी मांग के दोबारा मुझे तकलीफ मत पहुंचा यार। ओ पैड़ी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। लंदन में मिली खुशियों में ऐसा खो गया कि तेरा दर्द नजर ही नहीं आया। ओए, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ओ तेरा दोस्त होते हुए तेरे दिल पे क्या बीत रही है मुझे दिखाई नहीं दिया। ओए पैड़ी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए यार। ओए, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा गला तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी दिन मुझे अपने गले को काट देना चाहिए था, नहीं कर पाया। गलती मेरी है, इसलिए माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए हर उस गलती के लिए जो मैंने जानबूझकर अनजाने में की है। ओए मांग रहा हूं, ओए मांग रहा हूं क्या? और फिर तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? ओ बट वाई प्रा, ओ प्रा, ओ प्रा इस प्रा प्रा, ओ प्रा, ओ नो माफी प्रा, नो माफी यार प्रा, नो माफी प्रा, ओ आई एम सो हैप्पी प्रा। ओ तू पंजाब आ गया यार। फिर भी गलती बनेगी, गलत किया तेरे साथ भी और प्रिया के साथ भी। और फिर बैंड टके तू प्रिया से माफी मांग लेना, मुझसे क्यों मांग रहा है? ओ चेन्नई एक्सप्रेस इत्थे आई। नो माफी शाफी अपरा। मुझे यकीन था तुम अपने दोस्त के पास वापस आओगे, इसलिए नो एक्सप्लेनेशंस एंड नो सेइंग सॉरी। हम अब सिर्फ अपने फ्यूचर की बात करेंगे, पास की नहीं। टू लंदन देन? टू लंदन एंड लंदन ड्रीम्स। सो लेट्स रॉक द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। सो व्हेन डू वी लीव? अब बैंडेड है क्या अभी? चलो यार, बस सतरीकाल लंदन जा रहे हैं। लंदन हियर वी कम। लंदन के बैंड हो जाएंगे।
के बिन है अधूरी हर जीत भी सरगम संगीत भी अधूरा है अपनों के बिन ख्वाबों के बादल छाने दो लेकिन रिश्तों की लोक बचा के बरसना कहती है हवाएं चूम ले गगन को पंखों को खोल तो छोड़ न तरसना Quando